बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए, जो कक्षा चौथी का है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपके लिए पार्ट 9 नर्मदा की आत्मकथा लेके आए हैं। चलिए इसके अति लघुत्तर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक है, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो देखिए, यात्रा करने वाले व्यक्ति को वाक्यांश को जो हम एक शब्द में लिखेंगे, तो इसका एक शब्द क्या होगा? यात्री। यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यात्री कहलाता है। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न एक था, उसका उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है आपका, हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से भी पुकारते हैं। प्रश्न क्या है? हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से भी पुकारते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, जो अमरकंटक के अनूपपुर नामक जिले से निकली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, दुग्ध धारा किसे कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, दुग्ध धारा, नर्मदा जी की गिरती हुई धारा को दुग्ध धारा के समान प्रतीत होती है। नर्मदा जी की गिरती हुई धारा दुग्ध के समान प्रतीत होती है, जिसे दुग्ध धारा कहते हैं। ये भेड़ाघाट में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? लघुत्तरी प्रश्न है ये, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए इसका, नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से के पहाड़ों से निकलती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? नर्मदा नदी को माँ और जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी को माँ और उसके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द, जैसे ये नदी है, माँ है, जल है, अमृत है, इनके क्या लिखना है? हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए, नदी के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता, सलीला। नदी का पर्यायवाची क्या हो गया? सरिता और सलीला। उसके बाद जल का नीर, पानी। माँ का जननी, माता। सुधा का अमृत का सुधा, सोम। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 के जो रेखांकित शब्द थे, उनके हमने आपको यहाँ पर्यायवाची लिख के बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? चित्र के अनुसार यह किसका है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है, जिसका नाम है बुंडाला बांध। यह बैतूल जिले में स्थित है। इससे सभी को पीने योग्य पानी एवं सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? दीर्घोत्तरी प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं हम। किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में बताया। नंबर 1, यह नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। नंबर 2, यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। नंबर 3, इसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4, यह नदी अमरकंटक के पहाड़ों से निकली है। नंबर 5, नर्मदा नदी का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। इसके बाद नंबर छः क्या कह रहा है? नर्मदा नदी का पर कपिलधारा जलप्रपात भी बना है। नंबर 7, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो इस प्रकार बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका मूल्यांकन 7 आएगा। मूल्यांकन 7 में क्या है देखते हैं।
इसके अति लघु उत्तर प्रश्न पहले पढ़ेंगे हम। पहला अति लघु उत्तर प्रश्न क्या कह रहा है? मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा है? उत्तर देखिए, प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा नदी की स्तुति की गई है। प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा नदी की स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथ भी, धर्म ग्रंथ ही नहीं, लोकगीतों में भी नर्मदा का उल्लेख है, जो हमारे लिए प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर एक कंप्लीट हुआ। फिर लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? क्या कह रहा है? जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो उत्तर देख लीजिए, जबलपुर जिले से नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद से होकर हंडिया और नेमावर नगरों के समीप से गुजरती है। इस प्रकार ये लघुत्तरी प्रश्न नंबर दो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसमें क्या दिया देखते हैं। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर तीन, पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको पेड़, जानवर, फल और फूल, पक्षी दिए, इसके किसी एक के बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए देखते हैं, हम पेड़ के बारे में यहाँ लिख रहे हैं। पेड़ हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं। जीवनदायी गैस कौन सी? ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। नंबर दो, पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। नंबर चार, पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है। और नंबर पाँच, पेड़ हमें छाया देते हैं। आप यहाँ से किसी पे भी आपको लिख सकते हैं, जैसे जानवर पे लिख सकते हैं, फल पे, फूल पे, लेकिन हमने यहाँ आपके किस पे लिखे बताया, पेड़ पे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर तीन यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर तीन के साथ ये पाठ यहाँ पे और मूल्यांकन कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको पाठ नौ नर्मदा की आत्मकथा के प्रश्न उत्तरी समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।